तो चलिए गाइस, आज क्या पढ़ने वाले थे हम? हमारा चैप्टर हो चुका था पहला, जो कि क्या था, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। और आज हमने बोला था चैप्टर नंबर 6 करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा पहले क्लास में, ठीक है? फिर धीरे धीरे करके आगे चलते रहेंगे, ठीक है? तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मतलब क्या है, फॉर्मूला है। तो पहले बता दें डिफरेंशिएशन होता क्या। डिफरेंशिएशन सिंपली डी होता है, जिसे डिफरेंशिएशन डी होता है। तो जिसे डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करना होता है वाई को रिस्पेक्ट में किसके, एक्स के, ठीक है? जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा वो नीचे आ जाएगा, और जिसको करना होगा वो ऊपर आ जाएगा। मतलब वाई को डिफरेंशिएट करना है, कोई फंक्शन दे रखा होगा वाई, है ना, उसको डिफरेंशिएट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है? इसका मतलब यही होता है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहना चाहें तो रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, इसे डब्ल्यू आर टी को विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, x, ठीक है? रेट ऑफ चेंज को हम डिफरेंशिएट कह लें, डिफरेंशिएशन कह लें, ठीक है? रेट ऑफ चेंज का मतलब ही डिफरेंशिएशन है, ठीक है? डिफरेंशिएट करना है, ठीक है गाइस? अब मतलब उठता क्या है कि इसे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो चलेंगे आगे, इसको हम ये भी कह सकते हैं, थीटा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है? डिफरेंशिएशन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है? इसे क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ये रहा, ठीक है? फिर किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके, टी के, तो टी आ गया, ठीक है? एक फॉर्मूले, अब पहले फॉर्मूले चल लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके उन फॉर्मूलों के बेस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो हमारे फॉर्मूले कुछ गिने चुने होते हैं। इसमें साइन थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं आता, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे कोई थीटा वाला डिफरेंशिएशन नहीं आता, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन आता है। तो हम देख लेते हैं कौन से हैं, कुछ 5, 6, 7, 8 हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की पावर एन को किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो क्या होगा, एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, एक्स की पावर में एन माइनस वन, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा, डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट, कोई नंबर है सी कह लो या फिर के कह लो, तो कांस्टेंट करेंगे डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारा जीरो आंसर होगा, ठीक है? कांस्टेंट मतलब कोई नंबर, जैसे 8, 8 का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना, जीरो आंसर होगा, ठीक है? चलेंगे एक एक क्वेश्चन, हर एक में हर एक फॉर्मूले का क्वेश्चन करेंगे, दो दो क्वेश्चन, ठीक है? तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा, डिफरेंशिएट करेंगे ई की पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x ही फॉर्मूला होगा, मतलब जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसका वही आ जाएगा, ठीक है? अगर e की पावर x कॉमन क्वेश्चन में दिया हो तो हमारे e की पावर x ही इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ चौथे पर चल लेते हैं, चौथा फॉर्मूला है, डिफरेंशिएट करेंगे x को x के ही रिस्पेक्ट में, देखो जिसको डिफरेंशिएट करें और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें वो दोनों सेम हो ना, तो हमारा आंसर वन होता है, ठीक है? मतलब x का डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो वन, ठीक है? अगर वाई का डिफरेंशिएट करें वाई के रिस्पेक्ट में, जैसे क्वेश्चन है एक, वाई का डिफरेंशिएट करें वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का डिफरेंशिएट करें वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, वन होगा, ठीक है? जिसको डिफरेंशिएट करें जिसके रिस्पेक्ट में दोनों सेम हो तो वन होगा, ठीक है गाइज? चलते हैं आप पाँचवा फॉर्मूला, ये तो इसके तौर पर एग्जाम्पल बताया, चौथा था ये, पाँचवा है अब, ठीक है? एक आ जाता है हमारा लॉग, डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, तो वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है? एक्स समझ लेना, एन नहीं है, एक्स है, ठीक है? छठा होता है हमारा क्या, छठा फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है? अगर हम सातवें की बात कर लें तो डिफरेंशिएट करेंगे वन अपॉन एक्स को, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है?
और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे हम बताते रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। हालांकि ये सात फॉर्मूले मेन हैं, सबसे ज़्यादा मेन ये है, ठीक है। सारे ही मेन हैं, बस पढ़ना, ठीक है, सारे ही मेन है, मैं बोल नहीं रहा कोई सभी, सबसे ज़्यादा बस भूल जाना सबसे ज़्यादा बोला था इसे, सारे मेन है, सारे पढ़ना। अब एक एक करके डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले को एक एक करके समझते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा क्या था, पहला क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या था, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस बेस पर, इसके डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के बेस पर। तो एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक्स की पावर टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर टेन, दिख रहा है ना, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर टेन। तो हमारा क्या है, और एक और बात मैं बताना यहाँ पर भूल गया आपको, ये बता दूँ, हमारा वाई हमेशा एफ एक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है ये बाद में देखेंगे, ठीक है, बस समझ लो वाई एक फंक्शन है जो कि एफ एक्स होता है, ठीक है। चलिए एक्स की पावर टेन का डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपली हमें बता नहीं रखा कि ये क्या है, हमारा फंक्शन है ये तो पता है हमें, तो इसको y मान लो, ठीक है, इज इक्वल टू टेन की पावर x, ठीक है। हमेशा जो फंक्शन होगा उसको y मान लो, हमेशा जो फंक्शन पूछे, जिसका डिफरेंशिएशन पूछे, उसे हमेशा y मान लो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो। अभी हमें क्या दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू टेन की पावर x, x की पावर 10, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें करना कैसे है, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट y, y का डिफरेंशिएट, y क्या है हमारा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं सर, क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना दिमाग में। तो हमने x के रिस्पेक्ट में इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x ही है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर t होता मान लो, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारा हो जाता है टी होता यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर टी होता तो एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स है ना। फिर डिफरेंशिएट करो इसको, टेन की पावर एक्स की पावर टेन अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो हमने मैंने बताया था, ये आपको दिख रहा होगा किसी चीज़ के कारण, कोई चीज़ दिख रहा होगा, x की पावर 10 क्या लग रहा है, x की पावर n, x की पावर n लग रहा है ना, 10 हमारा नंबर है जो कि n है, x की पावर n फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, क्या होता है, क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं, हमारा ये x की पावर 10 है जो कि x पावर n फॉर्मूला से बन रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो n क्या है हमारे इसमें, तो 10 n है, ठीक है। फिर इनटू का साइन x क्या है, तो x की जगह x ही रखो। फिर n माइनस वन, एन हमारा क्या था, 10 माइनस वन, ठीक है। फिर 10 x, 10 माइनस वन 9, तो x की पावर 9 हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है गाइज। ऐसे है हमारा ये फॉर्मूला बेस, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे चलकर, ठीक है ना। अब एक दूसरे पर, दूसरे वाले फॉर्मूले पर चलते हैं, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर कांस्टेंट क्वेश्चन में आ जाए, कौन सा कर रहे हैं, दूसरा, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करें किसी कांस्टेंट को, तो हमारा क्या आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो हमारा क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन क्या उठता है कि आठ का डिफरेंशिएशन करो, आठ का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारे पास, तो इसको y मान लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू हमारे क्या है, 8, ठीक है, इसको मान लिया हमने y, हमेशा मानना है मैंने बोला ना। तो अब क्या करना है, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर y लिख दो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, स्मॉल में लिख दिया है, ठीक है। ऐसे आप पेपर में मत लिखना अगर करना हो तो, नहीं तो नंबर काट लिए जाते हैं ऐसी ही जगह पर टॉपर्स के,
और मैं जानता हूँ आप सब टॉपर ही हैं, तो ध्यान से पढ़ना, संभल के पढ़ना, मज़े से पढ़ना। तो डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे वाई को, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बता रखा है कैसे। फिर एट का डिफरेंशिएट करेंगे, डी एट डी एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में एट करेंगे। अब हमारा एट क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है ना, एट हमारा नंबर है कोई, मैंने बता रखा था। कॉन्स्टेंट क्या होता है, कोई नंबर, और कोई नंबर हो तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो आंसर। बस यही था हमारा सेकंड फार्मूला, ठीक है। अब थर्ड फार्मूले पर आते हैं, थर्ड फार्मूला क्या है हमारा, तो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है डिफरेंशिएट करना है ई एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ई एक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, क्वेश्चन में होगा ई एक्स ई की पावर एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स, सेम होगा, ठीक है, यही होगा बस। तो चौथे पर चलते हैं, चौथा हमारा होगा डी की पावर डी की डी डिफरेंशिएट करें एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में तो वन, ये भी सिंपल है, ठीक है। ये आ जाता है अगर डिफरेंशिएट करें लॉग एक्स को, है ना, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करें लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में तो वन अपॉन एक्स आ जाता है, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएट करें रूट एक्स को तो क्या आ जाता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, ये सब आपको पता चल गया। अब एक और क्वेरी आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है, मैं चलो पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ, देखो 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 अभी देखो, ये हमारा पहला था ना डिफरेंशिएशन केस, फार्मूला था ना ये, ठीक है, x की पावर n का फार्मूला क्या था, n x की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में बोल रखा हो 10 x 9 इसका डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे इसको, इस फंक्शन को y मान लेते हैं, ठीक है, फिर सर इसको इसको ये तो कांस्टेंट है सर, ये तो ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी तो ज़ीरो ही आ जाता है, मतलब इसका आंसर तो ज़ीरो होगा। डिफरेंशिएशन मतलब मैं बता दूं आपको, तो डिफरेंशिएशन मतलब सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, हमने वही निकालते आए हैं, हम वही डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकालते आए हैं, जो कि ज़ीरो आया है यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन में कुछ आ रहा था, हमारा डिफरेंशिएशन का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। तो आप तो बोल रहे हो ज़ीरो आएगा सर, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा बाबू, ये देखो मच्छर, ऐसा नहीं होता। देखो अगर किसी फंक्शन के साथ किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर जुड़ जाए, जुड़ नहीं जाए, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसे कांस्टेंट नहीं लेते, उसे कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। कैसे, पहले इसको, चलो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या इसका क्या हुआ डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाई का कैसे हो गया सर, अरे डिफरेंशिएशन वाई डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट किसका करना है, इसका, तो टेन एक्स के पावर नाइन, इसको ब्रैकेट में ले लो, अपॉन में डी एक्स, यही करना है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो अब सीधा हम इसको नहीं करेंगे, जब कोई वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना, तो उसको कॉमन नहीं मानते, उसको कॉमन नहीं, उसको कांस्टेंट नहीं मानते, उसको कॉमन ले लेके, उसको कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि 10 है, तो इसको 10 बाहर निकाल दो, फिर डिफरेंशिएट करो x की पावर 9 ऐसे, ठीक है, ना कि इसका भी डिफरेंशिएट कर दो, इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 10, अब ये क्या हो गया, ये दिख रहा है x की पावर n, क्या होता है n x n माइनस 1, ठीक है, तो यही हो जाएगा, n हमारा 9 है, 9 x n माइनस 1, 9 माइनस 1, तो 10 गुणा 9 x, 9 माइनस 1 8 आ गया, तो 10 निम 90 8 x की पावर 8, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप दिमाग में ये डाल लो कि जब कोई वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसे कांस्टेंट लेके ज़ीरो नहीं करेंगे, उसे कांस्टेंट लेके नहीं ज़ीरो करेंगे, उसे कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, ठीक है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया। और देखते हैं, चलिए थोड़ा सा जगह है, थोड़ी जगह तो हैगी ही, देखो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला था हमारा क्वेश्चन एक, ये हो गया, आप चलो कांस्टेंट ज़ीरो ही होता है, ठीक है, चलो एक
इन्हीं फॉर्मूले पर बता रहा हूँ मैं, कोई नया नहीं बता रहा, ठीक है। यही जो सात फॉर्मूले हैं ना, ये इन्हीं फॉर्मूले पर बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले बता दिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, चलो क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे। चलो मान लो अगर आपके पास 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल दे, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, तो क्या करेंगे? हमने बोला y फंक्शन है, तो इसको y मान लो, तो y इज इक्वल टू 2x हो जाता है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y हमारा dy बाय dx, तो हमारा अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन इसी बेस पर लिखना है, इसी टाइप में, इसी फॉर्मेट में, ठीक है। पहले इसको दिखाएंगे कि इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर हमारा ये दिख रहा है वेरिएबल है, इसके साथ ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है, तो इसे कांस्टेंट ना लेके इसे कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, dy by dx ऐसे ही रहन देंगे। अब दो के साथ x है तो दो को बाहर निकाल दो, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट कर लो x को, तो हमारा कुछ दिख रहा है ये फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, जब जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो दोनों सेम हो, तो हमारा क्या हो जाता है, वन हो जाता है, तो टू इंटू वन हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो हमारा दो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो आप, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आएगा जो कि बहुत अच्छा मज़ा आएगा, मैं ऐसा सिखा दूंगा जबकि आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, सीधी बात। देखो चलो मान लेते हैं 5x + 1 + 3x² इसका डिफरेंशिएशन करो, कलुआ नहीं जानते तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सिंपल है यार, देखो डिफरेंशिएट y, इसको y मानेंगे ना, y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको y मान लो यार, यहाँ पर दिखा दो, दिखाना ज़रूरी है, y माना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो डिफरेंशिएट, ये तो y का तो dy by dx, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू में डिफरेंशिएट किसका करेंगे, इसका किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो इसको पूरा लिख दो पहले, 5x + 1 + 3x², ठीक है। अब क्या करते हैं इसको ना, अब एक साथ तो कर नहीं देंगे, ठीक है, अब ये प्लस में है, तो एक एक टुकड़े टुकड़े में बांट लेते, कैसे देखो, dx 5x लिख दो ब्रैकेट, ये प्लस का साइन यहाँ लगा दो, d डिफरेंशिएट करो 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, ये यहाँ पर हो गया, फिर प्लस का साइन यहाँ आ गया, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करो 3x² को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ऐसे ही दिखाना है आपको। अब चलो यहाँ पर ला देते हैं, अब देखो आसान हो गया ना, ये छोटा ये छोटा ये छोटा एक साथ आता तो क्या है चलो इज इक्वल टू में है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अब ये वेरिएबल आपको दिख रहा है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर है, कॉमन लेंगे या कांस्टेंट बोल के डिफरेंशिएट करेंगे इसका, और जीरो आंसर ला देंगे और इसका जीरो आ जाएगा, नहीं वेरिएबल है इसके साथ कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट ना लेके इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब ये 5 डी एक्स, ये एक्स यहाँ आ गया, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन बात में करेंगे, अब 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलो ना, जीरो होता है ना, है ना, ये कांस्टेंट है ना, है कि नहीं है, ये नंबर है ना, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, जीरो होता है ना, तो बस इसका तो आ गया भैया जीरो, ठीक है। प्लस का साइन आ गया, अब ये एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ये, अरे वेरिएबल है x, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम एन ओ पी जी आर एस टी एक्स वाई जेड, बस ये वेरिएबल है, वो सब वेरिएबल होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, है ना, अगर प्लस में होता तो इसे जीरो कर देते, वो बताऊंगा बाद में, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो इसे कॉमन ले लो, तो कॉमन लिया डी डी एक्स ले लिया, यहाँ बचा क्या एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बस। सर बोल रहे हैं हम कि यहाँ पर 2 है, एक्स के ऊपर में 2 है, अरे एन नहीं है ये, फॉर्मूला नहीं है एक्स की पावर एन, बस। तो 5 लिखा, कांस्टेंट का कॉमन का भी तो डिफरेंशिएशन होगा क्या, नहीं ना, 5 का 5 लिख दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, मैंने बता दिया है, 0 0 लिख दिया, 3 को यहीं रहन दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लग रहा है, एक्स की पावर एन, एन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन है ना, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो क्या होगा, एन हमारा क्या है, 2 है, ये एन है ना, तो 2 ये रहा,
यहीं देख लो यार, n हमारा 2 है इनटू में x, यही हमारा n फिर से पावर में 2, तो 2x 2 1 2 माइनस 1 1, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, किसी की पावर में अगर 1 हो तो उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी तो हमें पता है ना कि 1 है, तो हम दिखाते हैं क्या, हम कभी 1x लिखते हैं? नहीं ना। ऐसे ये भी है, वहाँ पर पावर 1 बचा है तो हम 1 लिख नहीं लिख सकते, लिखना चाहें तो ये तो बेवकूफ़ी की बात होगी ना, लिख तो सकते हैं लेकिन नहीं लिखते। तो हमारा 5 + 6x आंसर आ गया है इसका, थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, और चलते हैं, प्रैक्टिस ऐसी करवा दूंगा आज, बेसिक कॉन्सेप्ट तो दिमाग में ऐसे घुसेगा कि कभी हवा ही नहीं होगा तुम्हारे दिमाग से। ठीक है, तो चलो। हाँ, मैं कुछ कह रहा था, अगर 2 + √x हो तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करो इसको। तो मैंने क्या बोला, इसको y मान लो पहले, तो y इज इक्वल टू 2 + √x। डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करने का पहले फंडा लिखो, क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट, कैसे कर रहे हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x के। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो, dy by dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दो पहले, पूरा लिख दो डिफरेंशिएशन के ब्रैकेट में, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो लिख दो, x लिख दिया, फिर अलग अलग कर दो क्योंकि प्लस में है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो नहीं करते। dx पहले 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 2 √x को, फिर x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा? नहीं रे बाबा, 0 होगा, कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6, ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0। तो 2 वेरिएबल के साथ है, x वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कॉमन लेंगे, ठीक है, रूट एक्स आ जाएगा, तो 0 लिखेंगे? नहीं यार छोड़ो ना, 2 √x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ जल्दी 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 जल्दी, आपको बता रखा है क्या होता है, क्या होता है, 1/2 √x। ठीक है, तो रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 √x, आपको दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर नीचे दो दो है कट जाएंगे, 1/√x हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए, समझ ही गए होंगे भाई, मैं तो जानता हूँ बहुत अच्छे पढ़ते हो। अब देखो एक और हमारा ये 5वां फॉर्मूला जो है लॉग एक्स का, इसके बेस पर भी बता देता हूँ, बता देता हूँ कि बताना पड़ेगा ना, तभी तो भाई आपके 100 में से 100 नंबर आए, मतलब 75 में से 75 नंबर 75। चलो ठीक है, बस बहुत हो गया, 5x log x, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, ये चीज़ नहीं, ये अगली क्लास में, ठीक है, गलती से लिख दिया रे बाबा, 5 log x। ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, वाई मान लो इसको, 5 log x को y मान लिया, डिफरेंशिएट पूरा लिखना है आपको, पहले बता रहा हूँ, y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, wrt नहीं लिखना, dIFF नहीं लिखना, डॉट करके डिफरेंशिएट पूरा लिखो, विद रिस्पेक्ट टू x लिखो पूरा। ठीक है, तो dy/dx डिफरेंशिएट किसको करना है, 5 log x को, किस पे, किसके रिस्पेक्ट में, x के, 5। अब log x वेरिएबल है, अब बोल मत देना log वेरिएबल नहीं है भाई, log के साथ x तो है ना, बस समझ जाओ, अगर 5 × 6 होता तो क्या कॉमन लेते 5 × 6 को, नहीं 0 हो जाता। ठीक है, जैसे कि छठा क्वेश्चन मान लेते हैं, यहाँ पर 5 × 6 का डिफरेंशिएशन करो, तो इसको y मान लेते हैं, फंक्शन है 5 × 6 y मान लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे 5 × 6 dy/dx, 5 × 6 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 5 × 6 क्या होता है, 30 होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब 30 क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है ना, तो नंबर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, 0, यहाँ पर अगर x होता है इसे कॉमन ले लेते हैं, x का फिर डिफरेंशिएशन करते हैं जो कि हमारा 1 होता। ठीक है, ऐसे ये भी है, अब यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट ना मार के कॉमन ले लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, जब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर होगा उसे कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, दफ़ा कर देंगे बाहर। ठीक है, तो अब सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो 5 इधर ऐसे ही आ गया, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी बता दो, बस दिखा देता हूँ, बोल ही दो, अब क्या होता है, 1/n, नहीं और एक्स है, 1/x, तो क्या हो जाएगा, 5/x हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बता दूँ, रुको और बताता हूँ, क्वेश्चन चलते हैं और।
अब बहुत कर लिया ना अपनी तरफ से, चलो बुक में से करते हैं। सर बुक? इतनी जल्दी बुक? अरे हाँ यार, डेयरिंग बनो, शेर है तू, रोर कर। तो चलो यार, कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो ये हमारा आ चुका है 6.1 एक्सरसाइज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1 क्या देखूँ यार, बता देखा ना आपको, मैंने बोला था ना वाई इक्वल टू एफ एक्स है, या तो एफ एक्स को वाई बोल दो, वाई को एफ एक्स बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोला यार, बोल रहा है ये, खुद ही बोल रहा है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, मतलब डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6 क्या है हमारा, जल्दी बताओ। वेरिएबल है? नहीं यार, कॉन्स्टेंट है ना। तो इसके साथ एक्स है? नहीं ना, इसे कॉमन क्यों लेंगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा? 0। बस 3x की पावर 5, ये भी बता दिया है। 3x की पावर 5, 3 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ वेरिएबल है। तो 3 को कांस्टेंट ना मानकर इसे कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ऐसी और सब है, एक चीज़ है आपको दिखानी। एक क्वेश्चन दे रखा है 6.1 में, मैं जेके ठकराल की बुक यूज़ कर रहा हूँ। अब चाहे 1 साल बाद पढ़ ले, चाहे 10 साल बाद पढ़ ले, सारे टीचर्स जेके ठकराल से ही पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, हमें दे रखा है पॉइंट नंबर 7, f(x) = log 5x, ठीक है यार। ये मुड़ नहीं रही, नहीं तो दिखा देता। देखो दिख रहा है? अरे अरे, हाँ दिख रहा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, log x f(x) = log 5, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? f(x) सर आपने तो y करके बताया था फंक्शन को, y मानना, तो इसी को y मान लेते ना भाई, y = f(x), या फिर कह लो f(x) = y, ठीक है। तो y = log 5, अब सीधा अपने औकात पर आ जाते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y कह लो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का dy/dx, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किसका करना है? लॉग फाइव का करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब बता दो मेरे को बता दो, लॉग के साथ कोई वेरिएबल है क्या? नहीं ना, ठीक है, नहीं है वेरिएबल, नहीं है, नंबर है, कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे? 0 ले लेंगे, आंसर हमारा यही है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स होता तो क्या होता? लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x, तो 1/x आ जाता है। अगर लॉग एक्स होता, यहाँ पर नंबर आ गया, तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ चलो, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है, कौन सा करवाऊँ? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5th है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th ही है। 6.1 में क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 6.1 के गिने चुने कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई ऐसे ही उठा ले रहा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है। मैं बता दूं आपको, ये आपको सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी बाबा, लेकिन अभी नहीं, 2-3 क्लास होने के बाद सारी एक्सरसाइज मैं इस पर अपलोड कर दूंगा वीडियो के जरिए से। तो हमारा है f(x) = √3x 3/4, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव निकालो। f(x) क्या है? y = f(x), तो f(x) को y कह लो, y को f(x) कह लो, तो हम सीधा y मान लेते हैं जैसे हमने किया था, ठीक है। अब क्या, अपनी लाइन पर आ जाते हैं, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डिफरेंशिएट क्या? dy/dx। डिफरेंशिएट किसको करने के लिए कह रहा है? √3, ये रूट, बस रूट में बस 3 है, ठीक है। एक्स हमारा बाहर है, फिर एक्स की पावर में 3/4 है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एक्स के। तो अब देख लो, आपको दिख रहा होगा एक्स के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे रूट में हो चाहे किसी में भी हो, कॉन्स्टेंट तो है ना, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अगर √3 अकेला होता और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा होता, ठीक है, तो क्या करते? बता दो, बता दो, अरे बता दो ना, बोल मत देना 1/2√x हो जाता है, ऐसे हो जाता, √x का फॉर्मूला होता है ना, √x का फॉर्मूला 1/2√x। नहीं, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक्स है, तो कांस्टेंट होके 0 नहीं हुआ, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट आता है उसे कांस्टेंट ना मान के कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, फिर जो बचा कुछ होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो √3
अब आपको दिख रहा है x की पावर में n, इसे n मान लो, तो हमारा x की पावर में n क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, तो n हमारा 3/4 है, x हमारा x ही है, n हमारा 3/4 है माइनस वन, तो 3/4 माइनस वन हमारा क्या होता है, जल्दी बताओ यार, तेल निकल गया है, 3 माइनस क्या 4, तो माइनस 1/4 हो जाएगा, 3/4 एक्स माइनस 1/4, तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यही 3/4 एक्स माइनस 1/4, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3√3 अपॉन में 4 अपने अपॉन में 4 एक्स माइनस 1/4, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, ठीक है गाइज। अब आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, होमवर्क में नहीं, मैं खुद करवा देता हूँ। एफ एक्स हमें दे रखा है 6 पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 8/16, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको हम y मान लेते हैं, कोई हर्ज है नहीं ना, अरे अपना रास चल रहा है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, इसलिए मैंने y मान लिया है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x लिख दो, dy बाय dx, ठीक है। तो हमें दिख रहा है, हम इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट किसको करना है, 5x प्लस 8/16 को, किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो हमें यहाँ दिख रहा है 1/16 है, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/16 5x प्लस x, लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बता दो, लिख सकते हैं ना, तो ये हमें कांस्टेंट दिख रहा है ना, ये हमारा वेरिएबल है ना, तो इस पूरे कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, 1/16 डिफरेंशिएट किसका करेंगे, बस 5x प्लस 8 का, ठीक है, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो 1/16 डिफरेंशिएट करेंगे पहले 5x का, फिर प्लस में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस का साइन है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग करके निकाल देते हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका होता है 8 का, ठीक है। अब 1/16 पहले ब्रैकेट में इसे घुसा लेते हैं। अब 5 को बाहर निकालते हैं, 5 को निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे x को, दिख रहा है, 1/16 को ऐसे लिख दिया, 5 को बाहर निकाल दिया क्योंकि वेरिएबल के साथ 5 है, तो वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो बाहर निकाल देते हैं, कितनी बार बता रखा है देखो, कितनी बार बता रहा हूँ, भूलना मत, नहीं तो गलती हो जाएगी। 5 को बाहर निकाला, डिफरेंशिएट करेंगे, जो बचा कुछ है, कौन सा बचा कुछ है, 8, अब 8 हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इससे ऐसे कर लो, तो 1/16 5 ऐसे रख दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, 5/16 आ जाएगा ना, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और बाकी का क्वेश्चंस अब आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे गाइज, ये 6.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जो कि अभी नहीं करवाऊंगा मैं, बस बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो खींच जाएगी, और मैं आपको बता दूँ एक्सरसाइज में समझा भी दूंगा क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है, तो दिक्कत मत करना, और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। तो अगले पार्ट में करेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है, गुणा मतलब क्या होता है, 2 × 2 = 4। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब यार सब्सक्राइब करने के लिए बोल देता हूँ, कर देना भाई प्लीज, रिक्वेस्ट, दया की तरह रिक्वेस्ट। चलो फिर मिलते हैं, ये तो हंसी मजाक चलते रहेगी अगली वीडियोज़ में भी, थैंक यू।